अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बकार क्रिकेट शो। उमर अकमल ने बकार यूनस और मिकी आर्थर को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है कि आजकल जो मेरी हालत हो रही है उसमें इन दोनों का अहम किरदार है। मिकी आर्थर ने तो उमर अकमल को पलट कर जवाब दे दिया, लेकिन जो बकार यूनस हैं वो अभी तक खामोश है। मुकम्मल तफसील से आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा कि दरअसल उमर अकमल ने क्या कहा है। जी हाँ दोस्तों, उमर अकमल ने जो बकार यूनस के ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी है, उमर अकमल का कहना है कि नो डाउट बकार यूनस पाकिस्तान के लेजेंड हैं, तजर्बाकार बॉलर थे बकार यूनस, लेकिन बकार यूनस की कोचिंग में मैं जब खेला तो मुझे तो इनकी कोचिंग बिल्कुल समझ नहीं आई है। इनके जो फैसले हैं वो मुझे समझ में नहीं आए कि इनके फैसले क्या थे, मेरे लिए क्या थे, पाकिस्तान टीम के लिए क्या थे। और जब इनको इमरान खान ने मेरा बैटिंग ऑर्डर जो है वो तब्दील करने को कहा, तो फिर उन्होंने उसके ऊपर गौर क्यों नहीं किया, मेरा बैटिंग ऑर्डर क्यों नहीं तब्दील किया गया। तो ये भी शिकवा है उमर अकमल को एक वकार यूनस एंड कंपनी से। और इसके अलावा जो मिकी आर्थर है, उस मिकी आर्थर के लिए जो उमर अकमल ने अल्फाज इस्तेमाल किए, तो उमर अकमल कहना है कि मिकी आर्थर की कोचिंग में मैं जब खेला तो मुझे कहीं से नहीं लगा कि ये एक प्रोफेशनल कोच है। लेकिन फिर जब मिकी आर्थर ने ये बात सुनी, जब उन तक ये स्टेटमेंट पहुंची, तो मिकी आर्थर ने जवाब देखो, खुद को पहले आईने में देखो, तो उन्होंने उमर अकमल को ये पलट कर जवाब दिया है। तो आप किसके हक में हैं, आप किसकी स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, मिकी आर्थर की या फिर उमर अकमल की, तो आपने कॉमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर देना है। अगर आपको अपडेट अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़।